नमस्कार दोस्तों, पुलवामा आतंकवादी हमले के विषय में आज एक फिर से मैं दोबारा वीडियो लेके आया हूँ। आप पहले पूरी घटना को समझिए, पूरी घटना को आप ठीक से समझिए, उसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं आप उसके बारे में भी समझिए। लोगों के तरह तरह के उसमें अनेक तर्क आ रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करो, ये करो, पाकिस्तान तबाह करो, सारी चीजें आप समझिए पहले। सीआरपीएफ वालों का, हमारे जवानों का 2500 सीआरपीएफ का काफिला, उनकी गाड़ियां निकल, जनरली ऐसा होता है कि 1000 मतलब जवान निकलते हैं, उस दिन 2500 का काफिला निकला था। और ये गाड़ी जो वो जिस रूट से जा रहे थे वो रूट सेफ रूट कहा जाता है। और एक गाड़ी स्कॉर्पियो, जो भी गाड़ियां हो, एक गाड़ी आकर 350 किलो आरडीएक्स, जो भी आप समझिए, बारूद बोलिए, आप जो भी आईडी बोलिए, विस्फोटक से बटालियन की गाड़ियों को ठोकता है, जिसमें हमारे 40-42-50 कम से कम सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं। इस पूरे मामले को आप समझिए और इसके सॉल्यूशन, इसमें राजनीतिक पार्टी, आप कोई भी राजनीति काम मत करिए। राजनीति काम करने का मतलब कि कोई भी पार्टी हो, जो जवान था वो किसको सपोर्ट करता है, कांग्रेस को करता है, बीजेपी को करता है, आपको करता है, अदर पार्टी किसी को भी करता है, वो हमारी केवल और केवल हमारी रक्षा के लिए खड़ा होता है। वो हमारी रक्षा के लिए, हमारे कश्मीर की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए वो अपनी गाड़ियां लेके निकलते हैं। अब उनकी सुरक्षा का जो जिम्मेदारी होती है वो कौन उठाएगा? कुछ चंद नेता उठाएंगे। किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाला कि आज जो जवानों के मृत शरीर को, हमारे शहीदों के मृत शरीर को जो सम्मान के साथ गांव में घर पे पहुंचाया जा रहा है, उनका देह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, वो मुलायम सिंह यादव की देन है। ठीक है, नेताजी को सम्मान दो आप, हमें पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप डजंट मैटर आप किस पार्टी से संबंध रिलेटेड रखते हो, नो मैटर, मुझे नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। सारे के सारे पॉलिटिकल नेताओं का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट कम से कम ये तो सोचो कि वो जहां रैलियां करते हैं वो इन्हीं जवानों की वजह से रैलियां, एक सेफ रैली करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी अपने पिछवाड़े पे सेको, जो रोटियां है ना अपने पिछवाड़े पे सेको, किसी शरीर, एक नौजवान के मरे हुए शरीर पर वो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश मत करो। जनता बेवकूफ नहीं है, उनके आत्म सम्मान और उनके मतलब इतना गुस्सा आ रहा है कि आदमी बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। किसी भी जवान के मरे हुए शरीर के साथ उनका सौदा मत करो, उनसे खिलवाड़ मत करो। सोचो, सारे पार्टियां, सारी चीजें सब इकट्ठा हो अपने, अबे सॉल्यूशन क्या है उसमें, सॉल्यूशन बताओ तुम कि ये सारी घटनाएं होती हैं, सारी चीजें, एक प्लस पॉइंट लाओ यहाँ पे। सोचो आप कि जब इतनी गाड़ियां निकल रही हैं, आर्मी की इतनी गाड़ियां, उनको एयर सुरक्षा क्यों नहीं जाता, उनको हवाई हेलीकॉप्टर तो रहना चाहिए निगरानी के लिए, क्यों नहीं करते हैं आप लोग? ये आर्मी वाले खुद कमांडर, अपनी सुरक्षा खुद देख लीजिए सर। इन नेताओं के भरोसे में एक कमीने कोई ना आपको नहीं देने वाला है। आप अगर आप देश की सुरक्षा कर रहे हैं ना, तो आप अपने सुरक्षा के बारे में किसी के भरोसे मत, कोई ऑर्डर नहीं लाइए आप, कोई ये कहां मर गए सबके लोग, मानवा ह्यूमन राइट वाले किधर गए? एक किसी आतंकवादी के लिए रात को 2 बजे आप कोर्ट खुलवा देते हैं, 2 बजे कोर्ट खुल, ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। जिस मां ने आप आर्मी में जाते हुए बच्चों को एकदम तकलीफ इतना हो रही है, क्या बोले, आधा इंच अगर हाइट और आधा इंच अगर छाती कम हो जाता है ना, तो आर्मी में नहीं लिया जाता है। आर्मी में भर्ती में जाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, कभी सोचा है? अगर रस्सी जब पड़ जाती है ना, जो मीटर लिए जाते हैं, वो कलपते वहां पे तड़पते हैं कि उनको अंदर जाने का मौका मिले, लेकिन नहीं जाया जाता। उनको 5 सेंटीमीटर अगर 5-1 इंच भी, आधा इंच भी अगर कम हो जाता है ना, ताइट वो माँ सबसे पहले उस कोख को, उस माँ की कोख को मैं नतमस्तक करता हूं कि जिसने इस शेर को 9 महीने अपनी कोख में पाल के रखा है, अपनी कोख में पाल के रखा है और मरने के लिए भेजा है, शहीद होने के लिए। और अगर आप उस लाश पे भी राजनीति कर रहे हो तो शर्म करो, डूब मरो सालों, कोई भी पार्टियां हो, इसमें सबको मिलके एक साथ आना चाहिए। वो माँ, कुछ लोगों की तो शादियां भी फिक्स नहीं हो, किसी की तो बीवियों ने फांसी लगा लिया, अरे वो कैसे जिएंगे, किसके भरोसे? वो
माँ भी एक क्वेश्चन पूछ के बोली कि उस बेटे ने आप आधे आधे सेंटीमीटर भी अगर कम हो तो नहीं लेते हैं, और उनके शरीर तो वो पोटलियों में लेके आते हैं आप, एक छोटे से मतलब घर के पातीले में आप उदास संस्कार अपनी बोलते हैं ना, चार कंधे चाहिए। अरे एक आदमी एक उंगली से उनके बॉडी को उठा ले जा रहा है दास संस्कार के लिए, उनके तकलीफ को आप नहीं समझोगे, तुम भड़ुए होना नहीं समझोगे, तुम क्यों समझना चाहोगे दास संस्कार आदमी कैसे करे चार कंधे। एक बात हमारे उत्तर प्रदेश की कहानी बातें बता रहा हूं मैं, कि अगर कहा जाता किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो बाप बच्चों के लिए बच्चा होने के लिए बेटा होने के लिए सोमवार का उपवास रखता है, और जब ये ट्रेडिशन है भगवान का है कि बाप को कंधा बेटा देता है, लेकिन उस बाप पे क्या गुजरती होगी जो बाप अपने बेटे को कंधा दे रहा है, वो मुखाग्नि मुखाग देने का हक जो है एक बाप को अपने बेटे का है, सॉरी बाप को मुखाग्नि देने के लिए उनको बेटे बेटे का हक है, लेकिन वही चीजें अगर बेटे को कोई मुखाग्नि बाप दे रहा है उसकी तकलीफ को नहीं समझ सकते आप। बाप किसी दूसरे से अगर कह दे कि मैं इस बेटे के लिए एक साल पूरे उपवास रखा हूं, मैं सोमवार का व्रत रखा हूं और आज उसको मैं जला रहा हूं, मैं तो आप सॉल्यूशन उसमें क्या है। अगर एक नेता जाता है ना, नेता जो देश के अपोजिट में बात कर रहा हो, अगर वहां जा रहेगा कोई बोल रहा है कि मोबाइल से हुआ है या किसी भी, वो मैटर नहीं रखता है, तो आप जैमर क्यों नहीं लगाए जाते हैं। अगर इतना बड़ा काफिला जवानों का निकल रहा है, सिर्फ एक बंदे ने इतना बड़ा इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो आप वहां मोबाइल जैमर नेताओं के सामने आप लगाते हैं, तो आप इसके सामने क्यों नहीं लगा सकते हैं। आर्मी बेस आगे लगाइए, वकील सारे मीडिया सारे वकील मीडिया वाले क्यों दिखाएंगे भाई। किसी फिल्म इंडस्ट्री अगर आदमी मारा होता, आप सेलिब्रिटी मारा होता तो आप दिखाते ना, तो मानवाधिकार की बात होती, तो उनका बच्चा अगर दलिया नहीं खा रहा है तो कम्युनिस्ट तुम दिखाने चले जाते हो मीडिया पे, किसी और के दुख के बारे में अच्छी चीजें दिखाओ ना, अच्छी चीजें। ये डिबेटिंग क्या दिखा रहे, क्या दिखा क्या रहे हो तुम लोग। दो दिन बातें यही बात चलेगी, ये चलेगा वो पार्टी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक क्या है बे, अरे डेली उठो 10 को मारो 14 को मारो 10 आतंकवादी को ठोको, और ठोकने के बाद फिर खाना खाओ, सुबह का नाश्ता करो, डेली का रूल बनाओ। एक दिन सर्जिकल स्ट्राइक किसके, जो बाहर के वहां अंदर के लोगों के ऊपर कैसे करोगे, उसमें सॉल्यूशन निकालो ना अपने लोगों के। हमारे हम दोस्तों से बोलेंगे, जितने संस्थाएं हैं बहुत सारे ट्रस्ट हैं भारत में, बहुत से सारे, मैं सल्यूट करूंगा सरगुरु जी के वचनों को, उनके भाषणों को, मैं सबसे ज्यादा सैल्यूट करूंगा एक सेलिब्रिटी अक्षय कुमार को, जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, तमाम सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अक्षय कुमार को मैं सैल्यूट करूंगा जिन्होंने मतलब ऐसे ऐसे चीजें बता दी, ऐसी ऐसी चीजें कर लिए हमारे आर्मी वालों के लिए, हमारे देश के लिए, कि सर सैल्यूट है आपको। ये हमारे वीडियो का आप थोड़ा लोगों तक पहुंचाइए, कि सभी लोग अपनी यहाँ पे सारी पार्टियां इकट्ठे होकर एक सोल्यूशन बताइए आप, कि वहां सोल्यूशन क्या निकल सकता है। सोल्यूशन दो तीन बार डिबेटिंग करने बैठ जाएंगे, ये पार्टी वो पार्टी क्या करोगे पार्टी लेके, भाई बायकॉट करे, जनता सबका बायकॉट करे, उनको असली जगह दिखाए, उनको नेता बनाया है हमने, एक वोट देके एक एक वोट से उनको नेता बना, वो खुद से मां के कोख से नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के कोई आता है, हमारे जैसे लोग ही उनको चुनेंगे। बायकॉट कर, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, तो अगर आप अपने जेबें भरने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको कोई भी पद लेने का कोई हक नहीं है आपको। हर एक चीज का सोल्यूशन आप जानते हैं, आपके पॉलीथीन में दिख जाता है कश्मीरी बासमती राइस, ये कश्मीरी ये काजू, अरे पैदा कहाँ पे होता है, कश्मीर में पैदा होता है, एमपी से जाता है ये राइस, कई चीजें हैं जो महाराष्ट्र में पैदा होती है वहां जाते हैं, आपको पता है कश्मीर में, ये सारी चीजें सोल्यूशन का आप देख लीजिए, सोल्यूशन का आप हर एक चीज का देखिए, एयरबेस वो दीजिए उनको, जैमर लगाइए, आप अपने सॉल्यूशन बताइए। एक सॉल्यूशन में मैंने दोस्तों को देखा कितने सारे लोगों ने चौराहे पे कैंडल मार्च निकाला, बहुत अच्छी चीज है निकाला, इससे भी अच्छी चीजें हैं, अगर आपको श्रद्धांजलि देनी है ना, तो इससे अच्छी भी चीजें पाकिस्तान को उनकी औकात दिखानी है। आज जितने लोग आप 5-10 रुपए का कैंडल खरीदते हैं ना, अरे वही 100 लोग मिलकर 5-10 रुपए मिला के एक बकेट में बढ़िया सा पेंट ले लो,
अपने घर के टॉयलेट के सामने पाकिस्तानी झंडा लगाओ, हर एक चौराहे पे पाकिस्तानी झंडा बनाओ, हर एक चौराहे उस पे जाओ, टॉयलेट के बाहर लगाओ इन कुत्तों के झंडे को, कुत्तों वहां पे 100 बार हक के जाओ तुम, करो इनका अपमान करना है ना तो कई तरीके सॉल्यूशन बताता हूं मैं। अपने घर के बाहर ऐसे सीढ़ियों पे ना इनके पाकिस्तानी झंडे लगाओ, हर चौराहे पे लगाओ, हर जगह लगाओ इनके झंडे, और उन पे लोग ऐसे पैर रख के कुचल के जाए, सारी गाड़ियां जाए। सॉल्यूशन बताता हूं आपको मैं, सॉल्यूशन निकालो आप। लोग बोलते हैं ना कि युवा भटक गए हैं, भटके हैं युवा, युवा भटके क्यों? कश्मीर के, महाराष्ट्र के नहीं भटक गए हैं युवा, दिल्ली के युवा नहीं। अरे बेरोजगारी है वहां पे, आप सोचते हो जरा बेरोजगारी क्यों है? क्यों आते हैं मेन मुद्दे पे, धारा 370 कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी युवकों को कहीं उनको दो दो एनएसनेटी दी जाती, पता है कश्मीर का अलग भारत का अलग। क्यों भाई? सभी को आप इक्वल करो, जब तक आप इक्वल नहीं करोगे तब तक नहीं। सारी चीजें आपको पता है, हम जो गेहूं, हम जो चावल 40-50 रुपए में खरीदते हैं ना, वही कश्मीरी 8-10 और 12 रुपए में खरीदते हैं। लाइट बिल उनको 100, 110, 140 रुपए, 150, सारी फैसिलिटी तो गवर्नमेंट घुसा गई है, वो क्या करेंगे? पत्थर नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? ये अंबानी, अदानी, टाटा बिरला, सभी कंपनियां इतने बड़े बड़े हस्तियां हैं, धन्यवाद कि इस बार सभी कंपनियों ने, धन्यवाद। आप लोग बोलते हैं ना, कोई संस्था बोलती है ना कि हम मंदिर में पैसा क्यों चढ़ाते हैं, सिद्धिविनायक ने जो काम किया है ना, लगता है कि हमने अगर 1 रुपया भी सिद्धिविनायक में चढ़ाया होगा ना तो पैसा वसूल है। हर शहीदों के घर पे उन्होंने जो भी रकम दिया, वो मैं नहीं बोलूंगा कितना रकम दिया है, लेकिन जो भी रकम उन्होंने दान दिया है, हमको लगता है कि हमारा पैसा वसूल है, हमारा पैसा अब वसूल है उन्होंने। तो इतने सारे लोग आगे आज आए हुए हैं सभी जो है, तो उतनी कंपनियां भी तो हैं। अगर आप धारा 370 हटा देते हैं तो वहां कंपनियां 2-4 जाएंगी, अदर लोग, जनता देख लेगी सर, जनता देख लेगी आप किसी को, बहुत लोग हैं। अरे आधे से ज्यादा कश्मीर तो अनुपम खेर जी ही बसा देंगे वहां पे, अनुपम खेर जी ही आधे कश्मीरी वहां पे, अलग अलग लोग। आप 370 धारा भटके क्यों हैं? वहां कोई रोजगार नहीं। आप सॉल्यूशन देखिए ना, लोग बोलते हैं कि वहां के भटक, अबे भटके क्यों है, भड़ुए भटके क्यों? सारी की सारी पार्टियां राजनीति सेक रही वहां पे, रोटियां बनाने बैठी, भटके क्यों? जो बेरोजगार है वो भटकेगा ही, वहां पे आप रोजगार लाइए ना। क्या काम करते वहां के? कुर्ता पजामा पहन लेंगे, भिखारी पर कंबल लेके पत्थर मांगे भोसड़ी, मारेंगे क्यों नहीं वो? कंपनियां दिल्ली में उनको, अरे मर गया ना कोई देखने के लिए, उनके पास टाइम नहीं है। क्यों क्यों ना पत्थर नहीं मारते? वो सुबह निकलते हैं ना, सुबह हाथ में खाना खा के निकल जाते, काम पे आते रात में पत्थर मारे। आप बच्चों को खेलने के लिए टाइम नहीं उनके पास, वहां ना कोई कंपनियां ना कोई रोजगार है। आदमी क्या बेरोजगार है, आदमी करेगा क्या? सभी लोग बुरे नहीं है, सभी मुसलमानों को भी, कुछ लोग मुसलमानों को भी खबर चाहिए क्या? उसमें शहीद वाले दो होने वाले दो लोग मुसलमान नहीं थे? आप अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद को आप गद्दार नहीं बोल सकते, अशफाक उल्ला खां को आप गद्दार नहीं बोलते, हम हर नहीं बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ये होते हैं मुसलमान, हम सभी मानते हैं 90% क्या 100% सभी मुसलमान ही ये आतंकवादी है, लेकिन इसके वजह से और भी जो लोग मुसलमान है सभी आतंकवादी तो है नहीं। आप कश्मीर में जो है बेरोजगार जो है वहां पर रोजगार तो लाइए। आप 370 धारा, गवर्नमेंट से अपील है, एज ए सिविलियन के नाते बोल रहा हूँ, नेशनलिटी जो हमारे इंडियन है, मैं इंडियन के नाते बोल रहा हूँ आप लोगों से कि सभी जो चीजें सब एकजुट होकर सोल्यूशन बताओगे, सोल्यूशन तुम लोग वहां से 370 धारा हटा दो, आधे क्राइम तो ऐसे लोग जब अपने व्यवसाय में बिजी हो जाएंगे ना, बिजी, उनको पता नहीं है। अभी इसने छोकरे ने बोला 26-25 साल का है, अरे 100 साल आतंकवादी होके जीने से अच्छा है ना 16-26 साल का शहीद भगत सिंह होके मरे इंसान, शहीद होके मरे भगत सिंह जैसा जिंदगी जियो, 100 साल आतंकवादी होने से लाख गुना अच्छा है। लेकिन हर एक चीज में मैं यही बोलते आया कि आप सॉल्यूशन निकालो। आप वहां पे सबसे पहले रोजगार, इधर ही कंपनियां 370 हटाई, अंबानी कई कंपनियां डाले, कई लोग वहां पे, कई कंपनियां आएंगी जब रोजगार, पैसे की वैल्यू उनको क्यों पता नहीं चलेगी? उनके पास है नहीं रोजगार, है ना? नहीं, 500 रुपए तो पत्थर मार के आते हैं सर, 500 रुपए फिर तो फिर पत्थर मार के आते हैं, दिन भर के 1000 रुपए कमाए हो गए, महीने का 30,000 कमा रहे, क्या जरूरत है पत्थर नहीं मारेंगे तो? आप दो ना उनको रोजगार दो, आप 2-4-10 कंपनियां बिठाओ वहां पे,
हजार एक कंपनी में हजार भी अगर आप रोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है ना, शिक्षित होंगे, रोजगार होंगे, उनके पास सारे पैसे, भिखारी आदमी भीख नहीं मांगेगा, पैसा है, कौन करोड़पति भाई कोई भीख मांगता है क्या? सॉल्यूशन दोगे हर एक जगह, हर एक चीज का तरीके तो सारे बता देते हैं कि यहाँ ये चीज हुआ, लेकिन क्यों हुआ? आप जड़ तक जाओ ना कि हुआ है, किस चीज से होता है? अगर एक बंदा है क्यों नहीं, आप सारे मानवाधिकार वकील लोग, अरे इतने लोग हो, 2 बजे रात कोर्ट खुलवा सकते हो तुम लोग, तो यहाँ पे अरे एक दिन बंद रखो ना सारा चीज, सारे के सारे पार्टियां, सारे के सारे मिनिस्टर्स, सारे के सारे लॉयर, सारे मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स वाले सब क्या, कहां घुसे हो बे, कहां घुसे हो तुम लोग, सब एक एक एकजुट होके आगे आओ और उसके सॉल्यूशन निकालो, उसके सॉल्यूशन निकालो। बड़े हर्षसाथी बहुत ले लोग भारत में, सिकंदर को यहां से लौटा दिए थे हम लोग, तो अपनी इच्छाओं को जानो आप, सॉल्यूशन दो आपकी मेन चीज क्या होता है। जब तक सॉल्यूशन नहीं देखे सारी चीजें बाहर के ऊपर आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो। कश्मीर में अगर एक घर में अगर आप पत्थर अगर किसी को आप मारने जा रहे हो तो उसमें एक दो घर में कहीं पर भी हमारे देश की है ना वो, आप उनको अभिन्न बनाओ ना, भिन्न क्यों कर रहे हो आप, अलग क्यों लेके जा रहे हो आप कश्मीर को, आप अलग क्यों ले, आप करोगे वो मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, गोरखा लैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा आज गोरखा लैंड उनको बना के दे तो वो चीन से मिल जाएंगे सीधे, आप गोरखा लैंड की मांग कर रहे हैं, गोरखा उनको दे दो अलग, वो चीन से मिल जाएंगे, खत्म हो उनका अभी हमारा उनका ना उनका हो गया वो भाई, वो जब मिल गए आप एक देश उनसे मिल गया खत्म बात। तो आप हर एक चीज के सॉल्यूशन बताओ, ये कैंडल मार्च, ये सारी चीजें, डिबेटिंग, ये सब छोड़ दो यार, छोड़ दो, सोशल मीडिया पे ज्ञान जो है ना भरने से अच्छा है ना कुछ अच्छी चीजें बताओ, साफ करो बस सुबह, ये क्या है बे, आज जो वीडियो आ रहा है कोई निकाल रहा है कि हमारे शरीर में बम डाल दो, ये कर दो, उनकी माँ, अरे कर क्या रहे तुम साले, तुम्हारे देश में ही है जो आजू बाजू मुझे दिखे ना, कान में डाल दो उनके, तुम ही डालो, इतना अगर मरने का शौक है ना तुमको, आजू बाजू में अगर कोई देश के खिलाफ बोलता, कोई अगर कोई भी नजर आए ना, पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत ना, यहीं पे ठोको साले, तुम जनता मरो 10-4 लोगों, अगर तुम जेल जाने के लिए तैयार ही हो ना, मरने के लिए तैयार हो ना, तो अच्छी चीजें करो अच्छी चीजें, ये चीजें करो। अगर तुम्हारे बगल में भी कोई राजनीतिक पार्टी जो अगर देश की बात नहीं कर रहा है, हमारे पापा चाचा मामा फूफा पापा के मुमा उनके ये जीजा सब छोड़ दो साले, जब इनको जब तुम राजनीतिक पार्टियां अपने, वो हमारे जीजा है तो किसी भी पार्टी से है, कोई कुछ भी बोले कि आप जिताओ, जब तक एक जो देश हित के बारे में बात कर रहा हो, नेशनलिटी के बारे में बात कर रहा हो, वो एजुकेटेड सही आदमी को चुनो तभी देश आगे बढ़ेगा। रिश्तेदार हो हमारा कोई भी सगा हो, अगर वो गलत पार्टी गलत लोगों के साथ में है तो आप मत चुनो उनको। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिबेटिंग जगह छोड़ के आप जो है कुछ अच्छे सॉल्यूशन बताओ और आप खुद से सोचो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।